मानसा दा मीडिया मानसा दे मेन स्ट्रीम मीडिया दे डिजिटल मीडिया दे प्रिंट मीडिया दे जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रीप्रजेंट करते हो प्रतिनिधित्व करते हो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तुहाडे द्वार नां दा जिहड़ा असी एक प्रोग्राम चला रखे है कि सरकार जिहड़ी है वो चंडीगढ़ बैठ के अफसर जिहड़े ने चंडीगढ़ बैठ के फैसले ना करन वो लोगों के आउण। जिस दिन सरकार बनी सी 92 सीटा आईया सी उस दिन मैं अपनी पहली स्पीच दे विच जो मैं संगरूर वाले घर दे उपर छत तो बोलिया सी कि सरकार हुण कस्बियां चो चलूगी ये सरकार हुण पिंडां चो चलूगी ये सरकार हुण शहरां चो चलूगी। सो उस लड़ी तहत अज साडी ये कैबिनेट की मीटिंग मानसा आई है। इस तो पहला असी लुधियाना जलंधर तीजी मानसा असी कैबिनेट की मीटिंग जी इतने कर चुके हैं वो फैसले मैं बड़ी जल्दी तुहानू दस दूंगा। कैबिनेट की मीटिंग तो बाद सारे मिनिस्टर साहबान जिहड़े ने वो एक पैलेस दे विच उत्थे इकट्ठे होणगे उत्थे पंजाब दे लोक आए होणगे आले दुआले इलाकों तो आए होणगे सारे ऑफिसर साहबान उन्होंने नाल आए ने हरेक मिनिस्टर दे विभाग दे मैं भी उत्थे जाऊँगा। हुण इस तों बाद जिन्नी देर आखिरी बंदे की गल नहीं सुन ली जाती उन्नी देर तक जिहड़े सरकार है वो अज मानसा दे लोगों के द्वार बैठूगी। पहला यह कैबिनेट दी मीटिंगां चंडीगढ़ ही हो जांदियां सी उत्थों ही कवरेज हो जांदी सी पता ही नहीं लगता सी की हो गया की नहीं होया। तुहानू भी बहुत वधिया मौका मिलता है पत्रकारी फील्ड चो नौजवान मुंडे बहुत सारे यूथ पत्रकारी च है तुहानू तुहाडे लई एक बहुत वधिया एक्सपीरियंस है ये कि तुसी पूरी सरकार दे मिनिस्टरां नू किसी नू भी इंटरव्यू कर सकते हो कुछ कोई अब तुहाडे मन च सवाल है वो तुसी पूछ सकते हो ते तुहानू अपने अपने अदारियां दे विच मेन पेज मिलणगे हैडलाइनस मिलणगियां। तां जिस तरह आम आदमी पार्टी यूथ नू अगे ला के MLA भी बना ले मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी बन रहे ने होर भी अहुदेदार जिहड़े ने यूथ चो आ रहे ने इस तरह पत्रकारी चो भी अगली पीढ़ी जिहड़ी है वो एक्सपीरियंस आनी चाहिए वो तां होगा जे तुहानू मौका मिलेगा कि सरकारां नाल गलबात करन दा जां उन्हां दे कोल पहुँचण दा। अज कैबिनेट दे विच मेरे नाल मेरे प्रिंसिपल सैकटरी वेणू प्रसाद जी बैठे ने अज कैबिनेट दे विच काफ़ी अहम फैसले ले गए ने जिहदे विच वाटर एंड सैनिटेशन विभाग दे जिहड़े 2020-21 ते 21-22 दियां जिहड़ियां सालाना प्रबंधकी रिपोर्टां ने उन्हां नूं प्रवानगी दित्ती गई है। कुछ कैदियों का हर कैबिनेट दे विच आउंदा है जिन्हां ने सज़ा पूरी कर ली जां बद्ध हो गया टाइम कोई निजी झगड़ियां च जां किसी कोई इहो जिहा क्राइम नहीं कीता होया जिहड़ा समाज लई बहुत खतरनाक होवे जां इंसानियत तों नूं शर्मसार करन वाला होवे तां उहदा जिहड़ा रिपोर्ट आ जांदी हुंदी है उस इलाके दे डिप्टी कमिश्नर वालों SSP वालों। सो हर कैबिनेट असीं करके गवर्नर साहब नूं भेजदे हां अगे उन्हां दा अधिकार है कि वह की फैसला लैंदे ने। सो पंचायतां ते नगर निगम जिहड़े ने उन्हां दे वित्त कमिशन की रिपोर्ट जिहड़ी है वह लागू करन नूं प्रवानगी दित्ती गई है। इहदे नाल पंचायतां नूं ते नगर निगमां नूं जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ डेमोक्रेसी की नींह बेस उन्हां नूं फंडस आउणगे जो सेंटर तो पंजाब वल नूं आउणगे ते पंजाब अपना हिस्सा पाऊगा जां कल्ले पंजाब दियां फंडस ने बहुत सारे तो नगर निगमां ते पंचायतां तक पहुँचाए जाणगे।
एक अज अहम फैसला होया चिट फंड कंपनियां नूं लैके। बहुत लोग पीड़ित ने, चिट फंड कंपनियां लालच दे के आम लोगों तो उन्हां दी मेहनत की कमाई लै लैंदे ने, दुगने पैसे करांगे, तिगने करांगे, एक दो बारी दुगने दे भी देंदे आ विश्वास बना के, बाद दे विच करोड़ां खरबां रुपये का घपला हो जाता। परल कंपनी दे विच खास तौर पर जिक्र योग है, जिदा पंजाब दे विच बहुत सारे परल पीड़ित ने, होर बहुत सारिया कंपनियां ने जिहड़ियां चिट फंड कंपनियां ने पैसे लैके भज जांदियां ने, उन्हां लई असी एक अमेंडमेंट लैके आए हैं एक्ट दे विच, उन्हां नूं सख्त सज़ा का असी प्रावधान कर रहे हैं। 10 साल तक दिन yes, 10 साल तक की सज़ा जिहड़ी है वो चिट फंड कंपनी जे कोई किसी बरगड़ा के उन्हां दे पैसे जिहड़े ने उन्हां नूं सुपने दिखा के झूठे वो लैणगे, तां चिट फंड कंपनियां दे जिहड़े प्रबंधक होणगे जां जो भी जिम्मेवार होणगे, 10 साल की सख्त सज़ा का प्राप्त असी विधानसभा दे विच आउण वाले च लैके आ। इस तों इलावा एक बहुत वड्डा फैसला मुलाजमान नूं लैके होया, जिहड़े टीचर इहदे च दो तीन कैटेगरीज ने, वो टीचर जिन्हां ने 10 साल तो 10 साल जां 10 साल तो उपर सर्विस कर ली, हजे वो रेगुलर नहीं होए, उन्हां दी गिणती 7902 वो टीचर जिहड़े ने उन्हां नूं असीं रेगुलर कर रहे हैं, पक्के कर रहे हैं। ते 6302 10 साल वाले जिन्हों का पीरियड 10 साल हो गया या 10 साल तो उपर हो गया, कई 12-12, 13-13 साल वाले भी ने, ते ये है 6307 जिहड़े ने वो ने जिन्हां ने सर्विस तो की पर टुटवीं की, बिच दी गैप पै गया, 6 महीने का गैप पै गया, बिच दी 2 महीने का गैप पै गया, फिर उन्होंने जीरो तो शुरू करना पै गया, जाने कि उन्होंने सर्विस दे विच ब्रेक आन करके उन्होंने 10 साल नहीं बनते। तो असी पंजाब दी आम लोगों की सरकार ने फैसला किया है कि असी उन्होंने जो टुटवा पीरियड है उन्हूं भी बिच गिणांगे। इहदे नाल 6307 जिहड़े टीचर ने वह भी पक्के हो जाणगे, यानी कि 10 साल की जिहड़ी शर्त है बिच टुटवें पीरियड की वह हटा दित्ती गई है, उन्होंने भी नाल ही लवांगे। बहुत साल उन्होंने पढ़ा लिया, तो इन्हां दीआं तनखाहां दा जिहड़ा की स्केल देना है, नाल उन्हां नूं पेड छुट्टियां, हुण तां जे नहीं जांदे तां उहदे उन्हां नूं पैसे नहीं मिलदे, मैटरनिटी लीव लेडीज़ जिहड़े मुलाजम ने उन्हां लई, ते हर साल किन्ने % उन्हां दी पेंशन अपना सैलरी दे विच वाधा करना है, ये भी रूल्स आ जिहड़े ने आने वाले दिनों असीं डिटेल दे विच विधानसभा च लैके आवांगे। सो फिलहाल 14239 जिहड़े कच्चे टीचर सीगे, कोई सिक्ख्या प्रोवाइडर भी ये विच ने, उन्हां नूं असीं 10 साल जां 10 साल तो फिर जिन्हां ने कम तां कर लिया पर गैप आ गया इस करके उन्हां नूं लटकाया होया सी, असीं उह सारा गैप जिहड़ा छड उह भी काउंट करके असीं उन्हां नूं भी विच लै रहे। सो ये बहुत वड्डी राहत है, क्योंकि मैनूं बहुत सारे मिले भी सीगे, मैं भी उन्होंने यही कहा सीगा, क्योंकि पता नहीं किवें पिछलियां सरकारां ने उन्होंने लावारिस ही छड़ता सीगा, 40-40 साल की उम्र होगी, 42-42 साल की उम्र होगी, बच्चे भी उन्होंने BA कर गए, वो ये इस गल्लों ही मतलब मैनूं एक कुड़ी ने दस्या रोण लग गई, वो कहिंदी जी बेटियां वास्ते नौकरियां मंगीए जां हुण आपदे वास्ते आपदी पक्की करिए। सो ये साडा फर्ज बनता कि जे साडे इहो जिहे मुलाजम खास तौर पर नेशन बिल्डर जिहड़े
जिन्हें कहने असी टीचर कौम के निर्माता, जो उन्होंने आपका भविख ही सेफ नहीं है तो साढ़े बच्चों का भविख ही बनाएंगे। सो अच असी बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, 14,239 टीचर जोड़े ने उन्होंने असी पक्के कर प्रावधान रखे। तो MBBS जोड़े साढ़े स्टूडेंट्स ने असी हाउस जॉब्स वास्ते डॉक्टर रखा, ये 435 MBBS जोड़े ने की हुई, जो डॉक्टर्स ने हाउस जॉब वास्ते असी पोस्टा क्रिएट की ने। ते डॉक्टर्स ते नर्सिस नू मिला के जिहड़ी फ्रैश रिक्रूटमेंट होगी, नवी भर्ती होगी, 1880 हो जाएगी टोटल डॉक्टर्स प्लस नर्सिस। सो अज इहदी अप्रूवल जिहड़ी है कैबिनेट दे विच हो चुकी है। बाकी आवारा पशुआं करके बहुत खेतों भी दिक्कत आदि ने, सड़कों पर एक्सीडेंट होंगे ने, कीमती जाना जांदियां ने, आवारा पशुओं भी जो एक्सीडेंट हो जाता उन्हां दियां भी जाना जांदियां ने। सो असी एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं ये वास्ते कि असी कीमती जाना बचाईए, तो खेतों जिहड़ा 100-100 का 125-125 का आवारा पशुओं का झुंड फिरदे ने, उन्होंने असी किस तरह ये असी उन्होंने कंट्रोल करिए, कोई सड़कों पर बिना जान, खेतों बिना जान, तो उन्होंने आपकी सांभ संभाल भी प्रॉपर हो जाए, वो वास्ते भी असी एक पॉलिसी जी लैके आवेंगे। सो अज मेन मुद्दे जोड़े कैबिनेट के सी, एक जी होर महत्वपूर्ण खबर है, 19 जून तो 20 जून में असी विधानसभा का सैशन बुला रहे हैं स्पैशल। 19 जून तो 20 जून में विधानसभा का सैशन आऊगा, वो सारे कैबिनेट के फैसले जोड़े ने जो कोई एक्ट अमेंडमेंट करनी है वो उत्थे लैके आवेंगे। ये स्पैशल सैशन है, मानसून सैशन उस तो बाद करांगे। सो 19 ते 20 जून दो दिन का सैशन विधानसभा का विशेष सैशन बुलाया जा रहा है। उत्थे होर भी बहुत सारे जो BAC दे विच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिहड़ी विधानसभा दी हुंदी है उहदे विच होर भी जिहड़े मुद्दे कोई नवें टेबल एजेंडे आउणगे वह भी उत्थे मौके ते ही उहनां नूं प्रवानगी दे के उत्थे डिबेट उहनां ते भी हो सकदी है। उहदे लई किसी कोई रेजोल्यूशन वगैरह कोई लिआउणा पिया तां उहदा भी असीं उत्थे प्रावधान कर लांगे। सो अज दी इस प्रैस वार्ता दे विच मानसा डिस्ट्रिक्ट दे विच अज कैबिनेट हुई और कैबिनेट दे विच जिहड़े महत्वपूर्ण फैसले लए गए मैं तुहानूं विस्तार सहित दस दित्ते गए ने। इहदे नाल संबंधित जे कोई तुहाडा कोई होर क्वेश्चन है तां मैनूं। जिहड़ा अध्यापकां नूं पक्के करन वाला जिहड़ा, हाँ जी सेम जैसे पिछले बार किया था सेम प्रोसीजर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅੜਿੱਚਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ AG ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ NHM ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 5,00,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5,00,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ
घट तो घट 5 लाख जिहड़ा सानू देना पवे, घट तो घट लोगों 5 लाख सानू देना पवे, क्योंकि जे असीं वारा पशुआं नूं ही सड़क ते ना आउण देईए तां जान बचूगी। देखो जान की कोई कीमत नहीं, 5 लाख नाल कोई बंदा वापस नहीं आजूगा, पर 5 लाख रुपया जे कोई घटना होंदी है इदां दी दुर्घटना होंदी है, पर साडी जिहड़ी प्रायोरिटी है उह आवारा पशुआं नूं सड़क ते ही जां खेतां च जां गलियां बाजारां च ना आउण दित्ता जावे, तां कि किसी नूं 5 लाख दा फार्म भरना ना पवे, रब करे इहो जिहे उहनां दे घर दे हालात ना हो। बिल्कुल बिल्कुल है, पहला लोडा कमीशन बनया होया इस मामले, तो पंजाब दे विच परल दी बहुत सारी जमीन असी उहदे ते परल एक SIT बनाई हुई है, तो बड़ी जल्दी असी वो जिहड़ी जमीन है उन्हां दी उन्हां नूं अक्वायर करके तो असी कमीशन तो मंगांगे इजाजत कि सानू इहनूं नीलाम करके लोगों के पैसे वापस कर शुरू कर। नहीं जिन्नियां भी परल दीआं प्रॉपर्टियां ने पंजाब च ने दिल्ली च ने पूरे देश च ने उन्हां दी तां ते जिन्नियां भी पंजाब दे विच प्रॉपर्टीज़ ने घट्टो घट्ट उहदे ते जिहड़ा साडी सरकार वल्लों असी उहनां नूं आइडेंटिफाई करके उत्थे बोर्ड ला के डिप्टी कमिश्नर नूं असी कहा होया कि बोर्ड ला दिओ उत्थे कि इह जमीन जिहड़ी है खरीदी जां बेची नहीं जा सकदी, तो सरकार उन्हों अक्वायर करके उस तो बाद फिर लोडा कमीशन में असी भेजांगे कि इन्नी इन्ने यदि मार्केट वैल्यू है सानू इनू बेच के लोगों नू पैसे वापस कर कर लैन। नहीं नहीं तुसीं देखते जाओ बड़े पहले चौथे पंजवें थान तो भी लियांदे ने, तुसीं दूजे तीजे की गल करते हो, जे नीयत साफ हो सारा कुछ हो जाता है। सो जो बेनामी ने जो उन्होंने रिश्तेदारों के नाते ने जो सब पता है वह उन्होंने आप भी पता है। सो इस करके जे कोई इदा की रजिस्ट्री हुई असी वैसे तो एक असी उन्होंने रिकॉर्ड से पाँ लगे हाँ जिड़िया उन्होंने जमीन ने उन्होंने रैड एंट्री उन्होंने कर देंगे, वो कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकता, जे कोई कराउन आऊगा तो पता लग जूगा कौन है, यद मतलब संबंधित है कि ना कि किसी तरीके जाँच होगी तू तैं कितों जमीन ली सी तैनू किने वेची अगे कितने गए। सो असी चाहते हैं कि असली जोड़े दोषी ने उन्होंने फड़ा जाए। देखो मैं पार्लीमेंट मुद्दा उठाया सी MP के तौर पर, अरुण जेटली जी उस वेले वित्त मंत्री से उन्होंने जवाब दिता सीगा कि उन्होंने फड़ के जेल च करता जी जो परल वाला, मैं कहा जी जेल च की फायदा होया लोगों की फायदा होया जेल जेल च करता, लोग कहते हैं करो वो जमीन वेच के सानू पैसे वापस कर दो उन्होंने भावें बरी कर दो असी की करा। सो सानू यह आर्थिक जिहड़ा क्राइम है ना इकनोमिक क्राइम है ये उहदे च लोगों जो उन्होंने जिनी मर्जी सज़ा दे दो जी लोगों का तो पैसा चला गया, बल्कि सुसाइड जे तुसीं शाजली पिंड जाओगे 10 करोड़ रुपया मतलब आले दुआले दे शाजली दे आले दुआले ते शाजली दे पिंडां दा है 10 करोड़ रुपया, तो 10 सुसाइड भी ने लोगों ने रिश्तेदारों के पैसे लवाते अपने मतलब कुड़ी वही सी जिथे सौ कुड़ी के सहुरों तो पैसे लवाते गरंटी आप ले ली वो पैसे लेके भज गया वो फिर संबंध खराब हो गए उन्होंने कुड़ी वापस भेजती शर्मो शर्मी मतलब स्प्रे पी ली या फाह ले लिया। सो इस तरह बहुत कुछ होया परल ने कला आर्थिक तौर पर नहीं मानसिक तो शरीरक तौर पर भी बहुत सारे लोगों जोड़ा पीड़ित किया, तो होर भी ने दूजिया भी होर भी बहुत सारिया कंपनियां ने परल तो बिना भी। तो एग्जामिन कर रहे हैं कि साडा कितना उन्होंने देनदारी लेनदारी है, जे पत्ता खांदा होया लै भी लवांगे।